सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फिलहाल आज जो है अभी हम लोग हैं श्रीनगर में और मॉर्निंग के 6 बजने वाले हैं, मात्र 5-7 मिनट बाकी है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से देख रहे हो व्यू कैसा है, पूरा खाली खेत है, खेत है उस तरफ, मार्केट है पूरी बढ़िया सी। ये आज का होटल है हमारा और आज हम लोग निकलने वाले हैं अपने अपने लोकेशन पर जिसको जहाँ जा रहा है, ठीक है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, कुछ पता नहीं। तो भाई मैं जब सब अपने अलग अलग जा रहे तो मैं भी भाई अपना सीधे दिल्ली निकल रहा हूँ और यहाँ से करीब 790 किलोमीटर है यहाँ से घर मेरा। तो बस अब 5 बजे निकलना था, बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ऊपर नीचे। बाकी आया फटाफट से, बैग बांधा अपने मैंने देखा यहाँ पर और गेट भी बंद था, गेट खुलवाया, उसके बाद से निकला मैं। अब निकल रहा हूँ सीधे, पहले जाऊँगा द लेक, उसके बाद से सीधे घर की तरफ से। देखते हैं भाई कितना टाइम लगने वाला है, 6 बजे निकलेंगे और कितने बजे पहुँचते हैं, अराउंड 10 बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे हम लोग। चलो मिलता हूँ सीधे बाइक पर। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन गाइस। तो जो है 6 बज गए एग्जैक्ट और निकल चुका हूँ मैं यहाँ से घर की तरफ के लिए। सबसे पहले मैं ही निकला हूँ, बाकी लोग अभी धीरे धीरे करके निकलेंगे क्या करके पीछे से। अभी फिलहाल मैं जा रहा था द लेक की तरफ, द लेक के पास फोटो खिंचवाने के बाद से सीधे निकल जाऊंगा भाई घर की तरफ। टाइम जो है अभी बतला रहा है 10 बजे का बता रहा है सब लोग, देखते कितना बताता है। अभी तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा टाइम क्योंकि इधर जा रहा हूँ मैं लेक के साइड, इधर थोड़ा सा टाइम लगा दूंगा, 5-10 मिनट, 5-10 तो भी नहीं, मतलब 10 तो नहीं, 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। फटाफट से फोटो खींचनी और निकल जाऊंगा फिर मैं रात में। यार इधर वेज खाना मिलना बहुत टफ है, एक यही दुकान है, बस 2 दुकान जहाँ पर वेज मिल रहा है, बाकी तो भाई सारे नॉन वेज, टोटली नॉन वेज। मोमोज खरीद रहे थे, मोमोज मिला ही नहीं, सारे नॉन वेज थे, सारा खाने को ढूंढ रहे, खाना खाना भी नहीं मिल रहा था भाई, नॉन वेज ही मिल रहा था। तो एक यहाँ पर मिल गया था बस वेज में, राजमा चावल लेकर के फटाफट से पहुंचे थे। भाई सामान देखना यार कहाँ बैठेगा, भाई सामने है द लेक, देखता हूँ। ट्रिप मैंने सेट कर दिया आज का, अभी तक जो अपना है इस राइड पर बाइक चली हुई है टोटल 2723 किलोमीटर, 2723 और अब 800 प्लस हो जाएगा सब लोग। तो देखते हैं एग्जैक्ट कितना होने वाला है आज का टोटल इस राइड पर किलोमीटर। सुबह ये अपने साइड द लेक, अपने राइट साइड में इस टाइम है राइट साइड में, और ये रोड देख रहे हो इस टाइम पूरा खाली है। रात में हम लोग आए थे इधर, घूम रहे थे इधर अंधेरे में। सो गाइस देख रहे हो ये है द लेक और मैंने यू टर्न मार करके यहाँ पे आया हूँ बोर्ड के पास। मैं कहा एक फोटो ले लूँ, उसके बाद सीधे निकल जाऊँगा भाई यहाँ से, ज़्यादा टाइम तो लगाना नहीं है ना यहाँ पे भाई, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। सो गाइस देख सकते हो ये है द लेक और जो ये लेक है रुका हुआ पानी है और ये सर्दियों में पूरा जम जाता है बिल्कुल, कम से कम 3-4 फीट तक। फिर लोग अपना आराम से स्केटिंग करते हैं, घूमते हैं मस्त। बस अब निकलूँ मैं यहाँ से थोड़ी सी देर में। सो गाइस जैसे यहाँ पे द लेक में ऐसा कुछ नहीं है, बस इसकी यही खासियत है कि सर्दियों में पूरा जम जाता है, इतना ज्यादा इसमें पानी होने के बावजूद सर्दियों में पूरा जम जाता है, ये करीब करीब 3-4 फीट तक जम जाता है और बर्फ जम जाती है, मतलब इस पर लोग अपना मस्त खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मतलब एक एक फर्श की तरह हो जाता है, मतलब प्रॉपर मैदान। बस भाई अब मैं यू टर्न लेता हूँ यहाँ से और सीधे निकलता हूँ श्रीनगर टू दिल्ली के लिए। और गाइस एक बार महादेव का भी नाम ले ही लेते हैं क्योंकि राइड मस्त ले जानी है बिल्कुल, तो महादेव का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया बट एक बार आप लोग के सामने भी ले लूँ। तो भाई हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ, राइड को बनाना सुखद और सही सलामत पहुंच जाए घर तक, हर हर महादेव। वैसे यार ये द लेक जो है काफी कई किलोमीटर्स में यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जब से मैं तो चले आ रहा हूँ काफी बड़ा है द लेक। आज जो भाई मैं हूँ जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है ना आज मेरे को 4 स्टेट पार करनी है भाई, 4th स्टेट में जाना है। तो जिनके हो गए एक तो सेकेंडली पूरा पंजाब में जाएगा, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, 4 स्टेट पार करने हैं भाई। और मैं सोलो निकला हूँ, मतलब मैं अकेले ही नहीं निकल रहा भाई, बंदे सोचते हैं अकेले निकल रहा लास्ट में ना,
ऐसा नहीं सारे बंदे अपना अलग अलग जा रहे हैं, किसी को जाना चंडीगढ़, किसी को अभी निकलना है, किसी को 1-2 घंटे के बाद निकलना है, किसी को 5 बजे निकलना था, तो 5 बजे निकल जाता मैं भी, बट ये सामान बांधना था, ऊपर से गेट बंद था, तो उनका नंबर भी नहीं था होटल वालों का, गूगल से नंबर निकाल करके मैंने उनको फोन करके बोला कि भाई गेट खोल दो यार, हमारे को लेट हो रहा है भाई। फिर उन्होंने गेट खोला, रास्ता तो यहाँ से बतला रहा भाई, गाड़ी तो बहुत हंसते हंसते। ये रोड देखो क्या मिला है भाई, मस्त 80 किलोमीटर स्ट्रेट चलना, मजा आ गया इस रोड में, बिल्कुल 80 किलोमीटर डायरेक्ट चलना भाई। अगर ऐसे रोड मिलता रहे ना फिर तो भाई टाइम पर पहुंच जाओ अपना। वैसे टाइम जो है 10 बजे का बतला रहा है, मतलब कि वो 55 बता रहा था उस टाइम पे, अभी फिलहाल वो 47 हो गया, तो भी टाइम थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है ना अच्छे रोड पे, बट वही है थोड़ा सा बीच में अगर कहीं भी रुकेंगे चाय नाश्ते के लिए थोड़ा सा वहाँ पे टाइम हो जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम मान लेते, 10 बजे भी पहुंच गया तो बेस्ट है भाई, बहुत मस्त है। 6 बजे का निकला हुआ, 10 बजे पहुंच जाने में बहुत अच्छा टाइम हुआ, अभी मस्त रोड मिला है, लाला पूरा मस्त एक्सप्रेस वे है। जो अपने इधर राइट साइड में है, इस तरफ पुलवामा है, मतलब देखो पुलवामा के पास में हुआ स्टेशन, और पुलवामा एक बार कुछ साल पहले ही हुआ था, ये तो आदमी मतलब हाँ पुलवामा तो हुआ था, याद हुआ बहुत सारे लोगों को, काम अच्छा हो रहा है। देखो इस पर जो है इमरजेंसी प्लेन उतारने के लिए भी जगह बनाई गई है, अगर प्लेन उतारना पड़े इमरजेंसी में तो भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हो कितने किलोमीटर कवर कर दिया पता है, 86-87 हो गया, और ये टनल आ चुकी है भाई मस्त से, जो कि एसी टनल के पहले बता रहे थे हरिंदर भाई की अगर पहले पार कर देते तो सही है, नहीं तो भाई बाद में जाम लग जाता, बहुत टाइम लग जाता, बट मैं तो भाई सही टाइम को निकल गया था, तो अच्छा खासा बढ़िया आ गया, अब इसको पार कर लेते यार, अच्छी टनल है तो बहुत काफी सही है भाई, एक तरफ से ये हो गया जाने का, एक साइड से आने का, इस तरफ से हो गया तो यही है कुछ यार। एक ही में दो तरफ से भाई आदमी का ट्रक जा रहा है आगे यार।
कैसे क्रॉस हो रहा है देखता हूँ। गाइस सबसे टफ काम है आर्मी का ट्रक को वो करना ओवरटेक, क्योंकि यार हॉर्न मारने में भी अजीब लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, इसके अंदर भी जाम लग रहा है क्या? अरे यार काश टनल तो बहुत मस्त था, बट इसमें बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके से भी मतलब गाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी और गर्मी बहुत गर्मी के अंदर बहुत गर्म था। अब तक मेरे कितने किलोमीटर कवर हो गए मैंने देखा नहीं, 165 किलोमीटर कवर कर दिया मैं और 9 बजने वाले कितने बजे 15 मिनट 9 बजने में 3 घंटे में 165 भाई 165 से तो ज्यादा जगह थी 15 मिनट आया थी। सो गाइस अभी यहाँ पे मैं पीछे रुका था और चाय पी लिया मैंने, उधमपुर है ये जगह जो है उधमपुर लगता है, तो चाय वगैरह पी लिया मट्ठी उट्ठी खा करके। और इधर का भाई इतना टेम्परेचर आया यार पूरी गर्मी हो रही है बहुत तेज, टी शर्ट गीली हो गई भाई। मैंने पहन रखा था वो विंटर लाइनर पहन रखा था तो मैंने उसको निकाल के रख दिया वैसे टॉप बॉक्स में और गर्मी हो रही फिर भी भाई। खैर इधर धूप होगी ना, अब सोचो इधर ये हाल है पहाड़ों में हूँ अभी तो मैं जम्मू के पास में जम्मू में, तो फिर अपने इधर दिल्ली में क्या हाल होगा भाई। और गाइस मैं बिल्कुल यहाँ पर उस टाइम हूँ कटरा के पास, कटरा यानी कि वैष्णो माता मंदिर के बिल्कुल पास में हूँ, यानी कि अराउंड होगा 20 किलोमीटर से अराउंड होगा आसपास में बिल्कुल जस्ट। अब मैं इतना पास में भाई मंदिर के फिर भी नहीं जा सकता यार अभी, कोई नहीं माता रानी जिस दिन बुलावा देंगे उस दिन यहाँ पर भी आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, माता रानी के बुलावा आना चाहिए बस तुरंत पहुँच जाएंगे हम तो। जय माता दी। गाइस अभी मैं देखो जम्मू में ही हूँ और एक चीज़ दिखला देता हूँ, अभी दिख रहा है टेम्परेचर, आईफोन नीड टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़ इट, इतनी गर्मी होने लगी ना इधर, फ़ोन भी यार हीट हो गया अब तो यार गर्मी। सो गाइस 282 किलोमीटर कवर हो चुका अभी तक, 11:40 हो गए हैं अभी, रुका नहीं हुआ बस एक बार बस चाय पीने रुका था बस वही है। उसके अलावा देखो हैप्पी वाइफ भी यहाँ पर आ गई एकदम से, मतलब पीछे खड़े थे पहले तो वहाँ पर फिर उसकी बन गए मैं भी नहीं जा रहा, बाकी वही है देखो कितना हम मेरे बाद निकले थे, अरे थोड़ी देर बाद मतलब पता नहीं टाइम अरे थोड़ी देर बाद निकले थे और रास्ते में यहाँ पे हम लोग मिल पाए गए। गाइस अभी एक छोटा हाथी वाला एकदम से लेके आ गया इधर से, एक ट्रक जा रहा था ट्रक के पास से निकल गया पीछे से छुपके से बच गया भाई, इतना बाल बाल बचा बिल्कुल, ये तो सही है ना, बाइक गिरी नहीं पूरे ब्रेक दबा दिए थे मैंने, एबीएस से ऐसे बच गया भाई कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल पास से पहुंच गया, इतना साला पागल था ना हराम नहीं तो। गाइस 326 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं अभी तक और टाइम हो रहा है 12:43 एक बजने वाले, अभी एक पेट्रोल डलवाया मैंने एक ओवर 764 रुपये डाला पेट्रोल और अभी मुझे एक बार डलवाना पड़ेगा क्योंकि अभी बचा 467। यार इधर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पूरी शर्ट टी शर्ट अंदर गीली हो गई है भाई। अभी यहाँ पे एक सेकंड रुका था मैं, मतलब इधर ना वो बांट रहे थे ना रुआवजा बांटते हैं गर्मी में बहुत ज्यादा, तो वही पी रहा था मैं और इतनी गर्मी हो रही है ना यार। अभी तो भाई 400 किलोमीटर है, 402 किलोमीटर बाकी है भाई घर अभी आए कितना 385 किलोमीटर आया हूँ मैं, अभी चंडीगढ़ आने वाला है 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। चंडीगढ़ के मोहाली में आ चुके हम यहाँ पर, मोहाली इस टाइम चंडीगढ़ आ ही गया पास में, तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही इधर भाई, वो तो इधर पीछे रास्ते में पूरे मुआवजे वगैरह बांट रहे थे उससे पास आया हूँ मैं साथ और ऊपर से फिर यहाँ पर आगे आगे गर्मी का जूस पिया मैंने, डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसलिए फिर पानी पिया भाई, कुछ ना कुछ खाते पीते चले रहूँगा। सोए सामने रील देखे होगी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा चल रहा है जो अनस्टॉपेबल नैनो, ये रही देखो अम्बाला में दिख रही है भाई, ये उंगलिंग लगे थे अभी ये सेटअप है भाई गुड, उंगलिंग कर दिया आपने बढ़िया आराम से चले गया था चलो बढ़िया। ये थे भाई साहब जो उंगलिंगला पे लेके गए थे नैनो को रेलवे के बारे में काफी। सो गाइस अम्बाला आज का ये वाला जो धनुष देखा था आपने उस दिन
पहले वाली वीडियो में 5:14 पे यहाँ पर आ गया, यहाँ से हमने पानी पिया था उससे। 5:14 पे आ गया वहाँ पे, देखता हूँ 3:41 का रास्ता और बतला रहा है। 203 किलोमीटर बचे, 8:55 हो गया भाई टाइम कवर करके, 8:55 तक का पहुँचने का टाइम बतला रहा है। सर पीछे जाम जाना बहुत ज़्यादा इसलिए भाई, चलते चलते भूख लगी थी बहुत जोर की, पेट में दर्द हो गया था मेरे यहाँ। मैं आ गया यहाँ पे, बर्गर ले रहा हूँ और फ्राइज और कोल्ड कॉफ़ी है, फटाफट खाता हूँ फिर निकलता हूँ आगे बाइक पर। चलो भाई 6:40 हो गए भाई और यहाँ पे मैं रुका हुआ था यार, मेरे को ना भूख लग रही थी बहुत जोर की, पेट दर्द होने लग गया था, तो मैं रुक करके 330 रुपये खर्च हो गए भाई। तकड़ी ले लिया मैंने डिश, कुछ नहीं लिया, एक बर्गर लिया और कोल्ड कॉफ़ी लिया था विद आइसक्रीम वाला, मज़ा आ गया। मतलब ये है ना, गर्मी भी नहीं लग रही थी ज़्यादा और एसी में बैठा था आराम से, गर्मी भी गई पेट भी भर गया मस्त। हेलमेट का वाइजर साफ कर लिया, मुँह वहाँ धो के फुल धूल मिट्टी हो रखी थी पूरा, बढ़िया पेट्रोल फुल करा लिया भाई और अब खींचना है 161 किलोमीटर। अब 161 किलोमीटर बाकी है, टाइम बढ़ करके हो चुका भाई 9:38 पर पहुंचने का। कोई बात नहीं भाई, 5-10 मिनट इसको भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सही से चलेंगे अपना, सुरक्षित चलेंगे और हर हर महादेव कहते चलेंगे, हर हर महादेव। 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं भाई बस, और 73 किलोमीटर बाकी रह रहा घर। मैं थोड़ा सा रुकने जा रहा हूँ भाई, थोड़ा पानी वाने पी रहा हूँ यार, प्यास लग जा रही बहुत गर्मी में, चक्कर में अभी जब टूटा था मैं पानी पिया, 10 मिनट तो वेट किया, उसके बाद फिर हम निकला। और जो भाई गाइस यार बहुत हालत खराब हो रही है, इतनी गर्मी है ना, गर्मी से हालत खराब हो रही है भाई, चलाने से नहीं, ये मत सोचना भाई, इतनी गर्मी है ना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अभी चलाया 30 किलोमीटर चलाया बस, 25 किलोमीटर चलाया, इतनी तेज प्यास लगने लग गई क्या बताऊँ। दोबारा बाइक रोक करके फिर पानी पी रहा हूँ, बाइक रोक के दोबारा पानी पिया भाई, इतनी तेज प्यास लग रही थी। 55 किलोमीटर बचा हुआ है, दोबारा में रुकना पड़ रहा है। चलो गाइस फाइनली मन्नत हवेली आ गई है, पूरा लगभग 50 किलोमीटर पहले है हमारे घर से, और सामने है हम देख सकते हो, देखो जरा इस तरफ तो ये हो गया गर्म गर्म और वो रहा सुखदेव। सो गाइस इंतजार की घड़ी खत्म, 9:08 को मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा अब, क्योंकि मेरा घर आ गया बिल्कुल पास में। मज़ा आ गया भाई, ना नींद आई तो ना बोर हुआ, मज़ा आ गया बस, खींचता हुआ आ गया, देखा महादेव की कृपा है भाई, सही सलामत आ गया मैं लद्दाख करके पूरा, क्या बात है भाई। जब बोलेंगे ना लद्दाख सर्किट पूरा करके आया मैं भाई, कितनी खुशी होगी अंदर से, सोच रहे हो। जय भोलेनाथ, सही सलामत आ गया, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। बाबू प्यारा प्यारा मेरा चूच, क्या मम्मी मारी है, ठीक है मारेंगे है ना मेरा प्यारा बाबू, चलें। चलो दादी कहाँ है, घर में, आजा आजा। सो गाइस आज जो बाइक चली मेरी 792.6 किलोमीटर चली, अराउंड 800 किलोमीटर मान लो चली है आज, और टोटल बाइक चल चुकी है मेरी 3515 किलोमीटर, 3515 किलोमीटर भाई, 3500+ हो गया भाई ये भाई। सो गाइस आ चुका हूँ अपने घर पर और अब मैं जा रहा हूँ सोने, भाई खा गया खाना, खाने का मन नहीं कर रहा मैंने भाई, जो बर्गर और कोल्ड कॉफी पिया था पेट भरा अभी तक मस्त।
और खाना हमें मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ सोऊंगा, एप्पल है एप्पल खाऊंगा और सोऊंगा। और जो सीरीज थी पूरी लद्दाख की, पता नहीं कितने एपिसोड थे, काउंटिंग तो नहीं है, डालूंगा मैंने बताया जी प्रॉब्लम के चक्कर में नहीं डालता डेली। तो बस अब कल जाऊँगा मैं, कल संडे है, कल जाऊँगा मैं रिकवरी के लिए वीडियोस की, उसके बाद से अपलोड करना शुरू होगा। नहीं नारे बहुत तेज से ठीक है लगातार आएंगे भाई, 800 किलोमीटर बहुत कम स्टॉप है ओवरऑल, टोटल मिला के देखा जाए ना तो आधे घंटे से 45 मिनट के आसपास मेरा स्टॉप हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा क्योंकि खाने में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, उसके अलावा नहीं लगा था। तो भाई ये सीरीज थी पूरी लद्दाख की 2024, बताना सीरीज कैसी लगी और सपोर्ट बनाओ तो ऐसी सीरीज और भी आ सकती है, सपोर्ट रहेगा तो भी आएगा, बिना सपोर्ट के मैं क्या कर पाऊँ, सपोर्ट तो चाहिए ना। तो बताना कैसी लगी सीरीज और कमेंट जरूर करना और वीडियोज में जैसे कहते भाई, ताकि अगर शुरू से किसी को देखना कोई मिस है तो प्ले लिस्ट चालू है, प्ले लिस्ट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, पूरी लाइन से दिख जाएगा तो कैसे शुरुआत है और कहाँ से क्या एंड है क्या क्या, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।